इस मॉड्यूल में हम डिस्कस करेंगे कि इंसेक्ट्स के अंदर यानि सब फाइलम हैक्सोपोर्ड्स के अंदर केमिकल रेगुलेशन का प्रोसेस कैसे होता है रेगुलेशन का मतलब है कि डिफरेंट बॉडी फंक्शंस जो हैं हाउ दे आर रेगुलेटेड और इस रेगुलेशन के प्रोसेस में हारमोन्स फिरोमोन्स जो हैं इनका बहुत अहम किरदार है और जो हारमोन्स हैं फिरमोन्स जो हैं इनकी प्रोडक्शन में जो सिस्टम इन्वॉल्व है उस सिस्टम को हम कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम तो जो एंडोक्राइन सिस्टम इंसेक्ट्स में मौजूद है दैट नॉर्मली कंट्रोल्स मैनी फिजोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ द इंसेक्ट्स कौन कौन से? सेलर सिक्लेरोटाइजेशन, ऑसमोरेगुलेशन एग मेचूरेशन सेलुलर मेटाबोलिज्म गट पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स एंड हार्ट रेट दीज आर ऑल द स्ट्रक्चर्स फंक्शनस मैकेनिजम्स दैट आर कंट्रोल्ड बाई द एंडोक्राइन सिस्टम तमाम आर्थरोपोर्ट्स के अंदर एक्डाइस का प्रोसेस एक्टाइसिस मीन शेडिंग ऑफ देयर ओल्ड क्यूटिकुलर इज अंडर द न्यूरोडोक्राइन कंट्रोल इंसेक्ट्स के अंदर सब इसोफेजियल गेंगलियन और टू एंड्राइन ग्लैंडस जो हैं कॉर्पोरा एलेटा और प्रोथोरेसिक ग्लैंड नॉर्मली इन सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हारमोन्स की इंसेक्ट्स में दो अहम क्लासेस हैं एक है जिसको हम कहेंगे ट्रू हारमोन्स दे आर नॉर्मली प्रोड्यूस्ड बाय द एपिथेलियल ग्लैंड्स एंड बिलोंग टू एक्डोस्टीरोड्स आर जुविनाइल हारमोनस और दूसरे जो हैं उनको हम कहेंगे न्यूरोपेप्टाइड हारमोनस दे आर नॉर्मली प्रोड्यूस्ड बाय द न्यूरोसिक्रिटरी सेल्स इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट हारमोनस हैं आई जी आर इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर्स ये केमिकल हैं दे इनहिबिट द लाइफ साइकिल ऑफ एन इंसेक्ट फिर आई जी आर जो हैं टिपिकली ये इंसेक्टिसाइड के तौर पे भी यूज़ हो जाते हैं बल्कि उनका ये अल्टरनेट हैं ये कंट्रोल करते हैं इंसेक्ट की पापुलेशन को फॉर एग्ज़ाम्पल कॉकरोच, फ्ली अगर इनकी पापुलेशन एक ख़ास हद तक ज़्यादा हो जाए जो कि न्यूसेंस कंट्रोल करे तो उनकी पापुलेशन को फिर आई के ज़रिए कंट्रोल किया जाता है इस डायग्राम से हम इंसेक्ट के अंदर केमिकल रेगुलेशन के प्रोसेस को फर्दर एलेबोरेट कर सकते हैं जैसा कि हमने बताया कि इंसेक्ट प्रोजेसिस हारमोन दैट अफेक्ट द मेटामारफोसिस दिस इज़ द ब्रेन इनसाइड द ब्रेन देर आर स्ट्रक्चर कारपस अलेटम कार्पस कार्डिएकम न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स दे प्रोड्यूस हारमोनस अब ये हारमोनस जो हैं जुविनाइल हारमोन दे कंट्रोल द सिमिलरली देर इज आल्सो प्रोथोरेसिक लैंड इट प्रोड्यूसिज एक्डाइसोन हारमोन जुविनाइल हारमोन दे कैन अफेक्ट द डिफरेंट डेवेलपमेंटल स्टेजिज ऑफ एन इंसैक्ट Which is known as metamorphosis. They can act on the early larval stage. When they act on the early larval stage, it will not develop into later larval stage. And when they act on the later larval stage, it will not develop into pupal stage. And when they act on the pupal stage, it will not develop into adult. So, whenever we feel any nuisance regarding their population control, we can control the insect population. With the effect of this IGR.